सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियो लॉजी करियर। दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स एंड मैसेज को देख के ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते रहते हैं, आप लोग कहते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं, और अभी आपको पता है कि कंपटीशन लेवल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कोई भी कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे कंपटीशन चलता रहता है कि पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग या फिजियोथेरेपी, इन सब में से बेटर कौन है। तो आप लोग यही का क्वेश्चन करते हो सर कि फिजियोथेरेपी करो कि फार्मेसी करो, कौन सा करो। लेकिन आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए, इसमें आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, फार्मेसी एंड बीएससी रेडियोलॉजी दोनों में डिफरेंट क्या है। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं कि सर मैं बीएमआरआईटी करूं कि डीएमआरआईटी करूं या फार्मेसी करूं, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी, तो इन चारों डाउट्स को आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देन जरूर कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के पे लेके आऊं, आप लोग जरूर बताना। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेडियोग्राफर हरिओम कसौदन और मैं हूँ उत्तर प्रदेश से और मैंने अपनी स्टडी करी है पंजाब से। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं सर मुझे देखते हुए कि सर मैं बीएससी रेडियोलॉजी करूँ कि फार्मेसी करूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे फार्मेसी मिल रहा है, बीएससी रेडियोलॉजी नहीं मिल रहा। बहुत लोग कहते हैं सर कि बीएससी रेडियोलॉजी करना चाहता हूँ, पर फार्मेसी वाले कह रहे हैं कि नहीं मैं फार्मेसी कर लूँ, फार्मेसी बेटर है, डीमोटिवेट कर देते हैं। तो आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप स्किप करते हो वीडियो को तो पछताओगे फिर बाद में, कहोगे भाई आपने गलत बता दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसलिए कहता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। तो देखो दोस्तों क्या होता है, अगर आप बीएमआरआईटी करते हो या डीएमआरआईटी करते हो, ठीक है, तो ये रेडियोलॉजी के दोनों कोर्सेस है। रेडियोलॉजी के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। रेडियोलॉजी में बहुत तरीके के कोर्सेस होते हैं, डीएमआरआईटी होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स कोर्सेज होते हैं, मास्टर कोर्सेज होते हैं एंड डॉक्टरेट कोर्सेज होते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को भी कंफ्यूजन है कि वन ईयर का जो होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है एंड टू ईयर का डिप्लोमा होता है। लेकिन इसमें भी अभी 2.5 साल इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको इंटर्नशिप ऐड करा दिया जाता है, ठीक है। देन बैचलर्स कोर्स आ गया, बैचलर्स कोर्स होता है आपका ऑफिशियली 3 ईयर का ही होता है दोस्तों, बट इंटर्नशिप कंपलसरी जहां पे होती है वहां 4 साल का हो जाता है। एंड आपका क्या कहते हैं, अगर इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई स्टेट है जहाँ पे 6 साल लेट चलता है, वहाँ 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। मैंने आपको ये चीज बताया एक बार रील्स में भी बताया था कि सोच समझ के करना, कहीं से भी कोर्स करना। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वहां मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी बेटर है कि रेडियोलॉजी बेटर है, आप बैचलर्स डिग्री करो या डिप्लोमा डिग्री करो। तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं आप लोगों को। देखिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली चीज की आपका एक इंटरेस्ट होता है दोस्तों कि आप किस चीज में इंटरेस्ट हो, लाइक फार्मेसी में इंटरेस्ट हो, पैरामेडिकल में इंटरेस्ट हो, नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो, आप किस चीज में इंटरेस्टेड, ये चीज भी आप पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया नहीं, मुझे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब, मेरा कोई वहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, जहां पैसे हो गए वहां पे मैं करूंगा। तो मैं आपको दोस्त बता दूं, पैसे कमाने से कुछ नहीं होता, आपका एक इंटरेस्टेड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, लाइक देखो नर्सिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि नर्सिंग के जो वर्कड होते हैं बहुत अलग होते हैं, लाइक दौड़ना धूपना बहुत ज्यादा, इधर से उधर करना। हालांकि पोस्ट अच्छा है, देखो नर्सिंग सारे कोर्सेस अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे रेडियोलॉजी इसलिए पसंद है क्योंकि रेडियोलॉजी में अगर आप सैलरी की बात करी जाए तो देखो स्टार्टिंग सैलरी हमारी 15,000 से हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग जो मैंने बीएससी रेडियोलॉजी करी वहां पे स्टार्टिंग सैलरी मेरी 15,000 से थी। देन मैंने 6 मंथ किया, उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए गया 3 मंथ की, वहां पे मैंने एमआरआई सीखा, डेक्सा सीखा एंड एक्सरे तो मुझे आता ही आता था, ठीक है। तो वहां पे जब उसको कर लिया उसके बाद मेरी सैलरी हो गई 25,000। देन अभी मैं जॉब से थोड़ा सा छुट्टी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि चलो यूट्यूब पे थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस वजह से, तो अभी मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन अगर आपको देखी जाए तो बीएससी रेडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा बेटर है एक जॉब के पर्पज से, क्योंकि इसमें सीटी का भी ऑप्शन है, एमआरआई का भी ऑप्शन है, पेट का भी ऑप्शन है, डेक्सा स्कैन का भी ऑप्शन है, एक्सरे का भी ऑप्शन है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के लिए हो जाते हैं। और जितना अच्छा आप एक्सपीरियंस रखते हो उतना अच्छा आपका सैलरी इंक्रीज होता चला जाता है दोस्तों यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो फार्मेसी की बात हम कर लेते हैं कि फार्मेसी में बेटर कौन सा है, डी फार्मेसी की बी फार्मेसी या रेडियोलॉजी बेटर है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फार्मेसी वालों को बता देता हूँ दोस्तों, इससे पहले कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक शॉर्ट्स डाला था, वो आई बटन पे यहाँ ऐड कर दूंगा, देख लेना। वो दोस्त था मेरा, वो दोस्त गोरखपुर से आया हुआ था और उसको डी फार्मेसी किए 1 साल कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। लेकिन वो जहां कहीं भी फ्रेशर जॉब के लिए जा रहा था उसको बोल रहे थे कि मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा, 4,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेशर था।
अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जब मैं फ्रेशर था तो मुझे स्टार्टिंग 15,000 मिली और वो फ्रेशर था तो उसको 3,000 से 4,000, 5,000 मिल रहे थे, 8,000 रुपए मिल रहे थे, इससे ज्यादा उसको नहीं मिल रहे थे। तो आप कंपेयर कर सकते हो फार्मेसी के बारे में और रेडियोलॉजी के बारे में। एक चीज कहूंगा आपको कि फार्मेसी आपके लिए वहां बेटर है अगर आप अपने बिजनेस पर्पज से करना चाहते हो, आपको अपना मेडिकल खोलना है, अपना यहाँ पे मेडिकल शॉप बनाना हुआ है, तो वहां पे आपके लिए बेटर होगा फार्मेसी करना, क्योंकि उसके बाद आपकी जो अर्निंग होगी मेडिकल शॉप में वो सारी की सारी अर्निंग आपकी खुद की होती है। तो अगर आप कोई अपना मेडिकल खोलते हो बी फार्मेसी करके या डी फार्मेसी करके, एक लाइसेंस वेंडर बनते हो आप, तो वहां पे आपका ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब बिजनेस की पर्पज से तो आपका हो गया बी फार्मेसी बढ़िया, लेकिन अगर हम जॉब के पर्पज से देखा जाए तो नहीं है। लेकिन रेडियोलॉजी जॉब के पर्पज से आपको मैंने बता दिया बहुत अच्छा है। अब बिजनेस के पर्पज से आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है दोस्तों, अगर आप मेडिकल खोलना चाहते हो, छोटा से भी छोटा मेडिकल, ठीक है, तो उसमें आपको कम से कम 10 लाख का बजट चाहिए, क्योंकि दवाओं का जो आजकल टाइमिंग है, बहुत सारी दवाएं हैं मार्केट में जिनको लेना भी पड़ेगा, अगर आप नहीं रखोगे तो डॉक्टर आपके पास बिल्कुल पेशेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे जाने के लिए, ठीक है। लेकिन रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो मशीन जो होती है ना थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है यहाँ पे। लाइक अगर आप सीआर सिस्टम हुआ या डीआर सिस्टम हुआ उसको ले रहे हो तो स्टार्टिंग उसकी 10-11 लाख होती है। डीआर सिस्टम अगर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जा रहे हो एक्सरे की, तो वहां पे आपका पड़ जाता है 20 लाख समथिंग, 18 लाख समथिंग, ठीक है। तो सीटी और एमआरआई की तो बात ही मत करिए, वो चीज आपके बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट में चले जाते हैं। तो बिजनेस पर्पज से आपका फार्मेसी ठीक है, और अगर सैलरी पर्पज से देखा जाए, जॉब पर्पज से देखा जाए, तो आपका रेडियोलॉजी ठीक है। तो मैं आपको रेडियोलॉजी सजेस्ट करूंगा। देन आपका प्रोफेशनल जॉब होता है, आपको बिल्कुल भी कहीं दौड़ना नहीं है, सेटिंग वर्क होता है बिल्कुल। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब आप एक्सरे में जॉब करते हो तो वहां पे थोड़ा सा आपको अंदर रहना होता है, अपने केबिन में रहना होता है, आगे पीछे पोजिशनिंग करना, इतना तो कुछ नहीं होता भाई। लेकिन अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो सिर्फ फार्मेसी को कहूंगा, और अगर जॉब पर्पज से देखा जाए तो रेडियोलॉजी बेटर। इसीलिए मैंने रेडियोलॉजी को सिलेक्ट किया दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशनल वाली लाइफ है बिल्कुल, डॉक्टर के साथ वर्क करना है और सब कुछ बेटर है, बिल्कुल लाइफ सेट है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।